मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर गोमू। पिछले क्लास में नरेशन की पढ़ाई हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा बताया आपसे कि सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, वो है स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, एक्सक्लेमेशंस और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से चार की चर्चा मैंने कर दी है आपसे, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस। अब बच गया ये ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लेकिन मैं पीछे से आपको एक बार और बतलाता हूँ, उसका रिवीजन आपको एक बार मैं फिर से करवाता हूँ, तो फिर इसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो हमने कहा कि ये पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, जिसमें स्टेटमेंट जो है वो मेन है। स्टेटमेंट बढ़िया से हमने कहा समझ में आएगा, तो बाकी सब आसानी से समझ में आएगा। उसमें हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और दूसरा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज, और रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो उसे इनडायरेक्ट में प्रायः नहीं बदलते हैं। हमने कहा, हमने ही नहीं कहा कि नहीं बदलता है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो नहीं बदलते हैं उसके बाद। लेकिन यदि अगर उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, फिर टू को हटा देते हैं और सीधे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो उसको भी अगर आप बदलना चाहते हैं तो इसी तरह टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल सकते हैं, लेकिन अपने उसके बाद अपने तरफ से आपको एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अपने तरफ से। ठीक है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट एस ओ एन बटा 123 के नियम से बदलता है, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन होगा तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की बात है, उसमें मैंने आपको पांच ठो बात बतलाया है। एक है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तब वह भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा मैंने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। और चौथा मैंने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में तो इनडायरेक्ट में वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। और पांचवी बात मैंने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। ठीक है, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस जब होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में तो इनडायरेक्ट में वह भी पास्ट टेंस में बदलेगा, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा शाश्वत सत्य तो उसका टेंस नहीं बदलेगा, वो उसी टेंस में रह जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो भी। समझ गए ना बात। उसके बाद मैंने आपको टेबल लिख दिया है जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस प्रकार बदलता है, लेकिन यह बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहेगा तब ये नियम उस पर लागू
नहीं होगा। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी निकटता सूचक शब्द होते हैं वो सब दूरी सूचक शब्दों में बदल जाते हैं। उसका भी टेबल हमने आपको दे दिया है कि कैसे बदलता है, दिस दैट में, दिस देयर में, नाउ देन में, हियर देयर में, ठीक है ना। तो उसका भी टेबल आपके पास हो गया है। तो लेकिन ये भी बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे, हमने उसमें आपको बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स होते हैं वो सारे SON / 123 के नियम से ही बदलते हैं, लेकिन उनका केस नहीं बदलता है, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन, हमने कहा कि क्वेश्चन दो तरह से पूछे जाते हैं, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन WH शब्दों से शुरू होता है और यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलते समय मैंने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट रहे या न रहे रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा, आस्क में, सेज आस्क्स में और सेड आस्क्ड में। उसके बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो टू को हटा के सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, या यदि नहीं है तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि डायरेक्ट क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहाँ कोई कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं और वाक्य को उसी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट का क्रम होता है जिसको उलट देते हैं, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है जिसको उलट देते हैं, यानी सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में कर देते हैं और बाकी सारा चीज उसी तरह बदलता है, टेंस, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स जैसे स्टेटमेंट में बदला है, और अंत में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यदि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो यानी यस नो क्वेश्चन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब उसी तरह बदल जाएगा, लेकिन यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ऐसे नहीं हटेगा, यहाँ इफ या वेदर कंजंक्शन लगता है, दोनों में कोई लग सकता है, इसलिए इफ छोटा शब्द है, इफ लगाइए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ भी वही क्रम है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा बात, तो यहाँ भी उसको उलट देंगे, सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में कर देंगे और बाकी सब उसी तरह बदलेगा जैसे स्टेटमेंट में बदला है, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हटा कर अंत में फुल स्टॉप देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन डू डज डिड से पूछा जाता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का यदि होगा तो डू डज डिड से शुरू होगा। इसको डम्मी डू कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग केवल क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए किया जाता है, वाक्य में इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इनडायरेक्ट में बदलते समय डू डज डिड को हटा दिया जाता है और बाकी सारा चीज उसी तरह बदलता है जो स्टेटमेंट का नियम है, यहाँ भी वही लागू है और यहां भी अंत में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप देते हैं, समझ गए ना बात। अब तीसरा है कमांड्स। कमांड सेंटेंस से क्या होता है, कमांड सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या निगेटिव कमांड का बोध होता है, ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, एडवाइस या निगेटिव कमांड, नकारात्मक आदेश जिसमें हम किसी चीज को कोई करने से, कुछ करने से किसी को मना करते हैं, जैसे हमने कहा धूप में मत खेलो, बहुत फास्ट ड्राइव मत करो, ठीक है, झूठ मत बोलो, तो ये क्या है, ये निगेटिव कमांड है, ठीक है। निगेटिव कमांड का पहचान है कि वो वाक्य जब शुरू होगा इन्वर्टेड कॉमा में तो डोंट से शुरू होगा, किसी से डोंट, डू नॉट बराबर डोंट, डोंट से शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये जो कमांड सेंटेंस होते हैं उसका भाव आपको देखना होगा कि वो किस चीज का बोध कराते हैं, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से को ऑर्डर में बदलेंगे, सेज को ऑर्डर्स में, सेड को ऑर्डर्ड में,
टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ टू का प्रयोग होगा। स्टेटमेंट में दैट का, क्वेश्चन में ही यस नो क्वेश्चन में ही फिर वेदर का, और कमांड सेंटेंस में टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं और बाकी सब जो का त्यों लिख देते हैं। लेकिन यदि प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स अगर यूज हुआ होगा तो वो उसी तरह बदलेगा जैसे स्टेटमेंट में बदला है, यानी एस ओ एन बटा 123 के नियम से बदलेगा। यदि डायरेक्ट स्पीच से रिक्वेस्ट का बोध हो तो से बदल जाएगा रिक्वेस्ट में, सेज रिक्वेस्ट में, सेज रिक्वेस्टेड में, उसी तरह टू को हटा देंगे। और रिक्वेस्ट का बोध तब होगा जब उसमें प्लीज या काइंडली लगा होगा। तो इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे और प्लीज काइंडली जो उसमें लगा है उसको भी हटा देंगे। ठीक है, और बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे, लेकिन प्रोनाउन डिटर्मिनर यहाँ भी वैसे ही बदलेगा जैसे स्टेटमेंट में बदला है। यदि सलाह का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से एडवाइस में, सेज एडवाइसेज में, सेज एडवाइस्ड में बदलता है। टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो अपने तरफ से सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे। और प्रोनाउन डिटर्मिनर यदि होगा तो वो एस ओ एन बटा 123 यानी स्टेटमेंट जैसा ही यहाँ बदलेगा। निगेटिव कमांड होगा तो हमने कहा अभी अब से कि निगेटिव कमांड जब शुरू होगा तो डोंट से, ठीक है। तो यदि डोंट से शुरू है तो निगेटिव कमांड है, तो इसको बदलने का दो ठो नियम हमने आपको बता दिया है। ठीक है, एक हमने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदल देंगे फॉरवर्ड में, ठीक है, फॉरवर्ड में टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नहीं होगा तो एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग करेंगे और डोंट को भी हटा देंगे और बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे, लेकिन प्रोनाउन डिटर्मिनर यदि होगा तो वो एस ओ एन बटा 123 के नियम से ही यहाँ भी बदलेगा। ठीक है, और उसके बाद एक हो गया ये, और दूसरा मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर टू को हटा देंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसको टोल्ड में बदलिएगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के पहले हटाकर टू का प्रयोग होगा और उस टू के पहले नॉट लगेगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा तब टू लगेगा, ठीक है ना, और तब बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देंगे, डोंट को हटा देंगे। क्यों यहाँ डोंट थी नॉट लगेगा, फॉरवर्ड में नहीं लगेगा, इसलिए कि फॉरवर्ड का अर्थ होता है माना किया, माना किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा माय फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ड्राइव टू फास्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद माई फादर सेड टू मी डोंट ड्राइव टू फास्ट मेरे पिता ने मुझसे कहा बहुत फास्ट ड्राइव मत करो। ठीक है, तो मेरे पिता ने क्या किया मुझको, फास्ट ड्राइव करने से मना किया मुझे। ठीक है, तो एक हो गया कि माई फादर फॉरबेड टू को हटा दिया, ऑब्जेक्ट हो गया मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया टू आई डोंट भी हट गया आई बाकी सब लिख दिए। टू फास्ट, ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, माई फादर फॉरबेड मी टू ड्राइव टू फास्ट, मेरे पिता ने मुझे बहुत फास्ट ड्राइव करने से मना किया, मना किया, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, इसलिए यहाँ नॉट का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम टोल्ड में लिखें
तब हो गया कि माई फादर टोल्ड मी। अब यहां टोल्ड मी का मतलब हुआ मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्या कहा? नॉट टू ड्राइव। टू फास्ट, यानी मेरे पिता ने बहुत फास्ट ड्राइव नहीं करने को कहा मुझसे। तो नहीं करने को कहा, इसका मतलब है कि मुझे मना किया। इसलिए फॉरबेट अगर लगेगा तो इसका बड़ा अर्थ होता है मना किया। इसलिए तब जब मना किया तब नॉट का जरूरत नहीं है। अगर इसमें बदलिएगा तो ऑब्जेक्ट और टू के बीच में यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। समझ ना बात। उसके बाद एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि किसी तीव्र आवेग या भावना की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग भाव को बदलते हैं। ठीक है, जो तीव्र आवेग या भावना की अभिव्यक्ति होती है वह अभिव्यक्ति खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है। ठीक है, आश्चर्य, क्रोध, घृण, घृणा, अफसोस, प्रशंसा किसी भी तरह की हो सकती है। तो जो भाव व्यक्त होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग भाव बदलेगा। जैसे खुशी अगर जाहिर करेगा तो रिपोर्टिंग भाव सैड बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। दुख व्यक्त करेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में। आश्चर्य व्यक्त करेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में। क्रोध व्यक्त करेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ एंगर में। ठीक है ना, जो आपको बताए हैं। तो उसी तरह से उसके भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ दैट का प्रयोग होता है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस प्राय एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे यानी विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे हुर्रा, एलास, हेलो, ओह, आह। ठीक है, तो इन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये क्या करते हैं? भाव व्यक्त करते हैं। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी सब उसी तरह बदलता है जैसे स्टेटमेंट में बदलता है। और अंत में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप देते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच जो है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वो व्हाट हाउ से भी शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अधूरा सेंटेंस प्रयुक्त हुआ रहता है। तो इस परिस्थिति में इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग भर्ब को उसके भाव के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद व्हाट हाउ से जो सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें अधूरा वाक्य प्रयुक्त हुआ रहता है। इस परिस्थिति में उसमें भर्ब तथा अन्य शब्द अपनी तरफ से जोड़ देते हैं ताकि उसमें निहित भाव जो है वो सरल ढंग से व्यक्त हो सके। ठीक है, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क हटाकर फुल स्टॉप दे देते हैं। समझ गए? अब चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इससे हमने क्या कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा, आशीर्वाद, ठीक है, इच्छा, आशीर्वाद, श्राप तथा प्रार्थना आदि का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग भर्ब को उसके भाव के अनुसार
निम्न तरीके से बदलते हैं, ठीक है। जैसे इच्छा, इच्छा के लिए विस्मय, ठीक है। आशीर्वाद के लिए ब्लेस में, प्रार्थना के लिए प्रेम में, और श्राप के लिए कर्ष में, ठीक है। यानी यदि इच्छा जाहिर करेगा तो विष में बदलेगा, आशीर्वाद जाहिर करेगा तो ब्लेस में, प्रार्थना के लिए प्रेम में, और श्राप के लिए कर्ष में बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या है, सारे प्रेजेंट है, अगर सेट रहेगा तो सब इसमें ईडी लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ ही है तो खाली डी लगेगा। तो बदलेगा, उसके बाद टू को हटा देंगे और सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने तरफ से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो केवल ब्लेस और कर्स के बाद ही लगता है, आशीर्वाद के बाद और श्राप के बाद, विष या प्रे के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, समझने बात। जैसे माय फ्रेंड सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू सक्सीड इन लाइफ। माई फ्रेंड सेड मे यू सक्सीड इन लाइफ, मेरे मित्र ने कहा कि तुम जीवन में सफल हो। तो क्या किया मेरे मित्र ने, आशीर्वाद दिया मुझे। मित्र आशीर्वाद नहीं ना देगा, ठीक है, और श्राप ये है ये नहीं है। तब क्या किया, या तो वो इच्छा जाहिर किया मेरी सफलता की, या प्रार्थना किया, ठीक है। तब क्या होगा, माय फ्रेंड विश्ड, ठीक है, चाहे प्रेड भी आप लिख दीजिए, प्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग होगा, दैट, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है वो इसका भी वर्ड ऑर्डर वर्ब प्लस सब्जेक्ट का होता है, मैं क्या है मॉडल वर्ब है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का भी यही पहचान है कि ये प्रायः में से ही शुरू होता है, ठीक है। तो मैं मॉडल वर्ब है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट का वर्ड ऑर्डर होता है, यहां भी इसको उलट देते हैं, सब्जेक्ट को पहले और वर्ब को बाद में कर देते हैं, ठीक है ना, और बाकी सब उसी तरह बदलेगा जैसे स्टेटमेंट में बदला है। तब यू पहले आएगा और ये है सेकंड पर्सन, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मन में मान लीजिए आई, किससे कहा वो तो मुझसे कहा, तो मान लिए आई। अब मैं है तो सेड चुकी पास्ट टेंस है, तो ये मैं भी पास्ट टेंस में बदल जाएगा, माइट सक्सीड
इन लाइफ, ठीक है, माय फ्रेंड विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन लाइफ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, डिसेंट सेड टू मी, मे यू लीव लॉन्ग, डिसेंट सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, संत ने मुझसे कहा दीर्घायु हो, ज्यादा दिन तक जियो, लंबा जियो, ठीक है। तो कथी किया संत, क्या किया, आशीर्वाद दिया मुझे, आशीर्वाद का बोध हो रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, डिसेंट प्रे सॉरी ब्लेस्ड me that, ठीक है। अब क्या है कि मैं भर भाइये, यू सब्जेक्ट है तो उल्टेगा, तो यू पहले आएगा, मी के अनुसार हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, अब मैं बदल गया माइट में, माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब उसके भाव के अनुसार विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स में बदलेगा, ठीक है। जैसे फिर देखिए, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गो इन हेल, सी सेड मे यू गो इन हेल, वह कही तुम नरक में जाओ, कथी की आशीर्वाद दी ना, श्राप दी। तब का होगा, सी सेड बदल जाएगा कर्स्ड में, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हो गया दैट, यू बदल गया मी के अनुसार आई में, हमने हो गया माइट गो इन हेल, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, लेकिन वैसे तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है वो हमेशा मे से ही शुरू होता है, जैसे मे यू सक्सीड, मे यू लीव, ठीक है, मे यू गो इन हेल, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस मे से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाक्य मे से नहीं भी शुरू होता है, मे छिप जाता है। तो इस परिस्थिति में इनडायरेक्ट में बदलते समय आप उसको मे से शुरू हुआ मानकर ही बदलें, ठीक है। यानी अगर वाक्य मे से नहीं भी शुरू है तो आप मन में ही मान लीजिए कि मे से शुरू है, क्योंकि इनडायरेक्ट में माइट का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे द बॉयज सेड कॉमा इन
इन्वर्टेड कॉमा, लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप. द बॉयज सेड लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप. लड़कों ने कहा हमारी फ्रेंडशिप लॉन्ग लीव हो. ठीक है, कछे भी अथिया लड़कों ने इच्छा जाहिर किया, तब का होगा द बॉयज विश्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया दैट. अब क्या है कि ये वाक्य में से नहीं शुरू है. ठीक है, तो हमने कहा कि अगर में से नहीं भी शुरू है तो आप उसे में से शुरू हुआ मानकर ही बदलें. तो लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप सब्जेक्ट है, जो पहले आएगा तो आवर यहाँ पोजिशिव केस है फर्स्ट पर्सन, जो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. तो सब्जेक्ट है यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये भी है प्लूरल नंबर. तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का पोजिशिव केस क्या होता है, देयर. तो आवर बदल गया देयर में. ठीक है ना, देयर फ्रेंडशिप देयर फ्रेंडशिप. अब क्या है कि मैं का प्रयोग नहीं है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग निश्चित रूप से होगा. माइट, इसलिए मैंने कहा कि आप उसे मे से शुरू हुआ मानकर ही बदलें. ठीक है ना, तो देयर फ्रेंडशिप माइट लीव लॉन्ग. समझ गए बात. तो कभी कभी वैसे जनरली मे से ही शुरू होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मे छिप जाता है, यानी वाक्य मे से नहीं भी शुरू होता है लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय आप उसे मे से शुरू हुआ मानकर ही बदलें, क्योंकि इनडायरेक्ट में माइट का प्रयोग निश्चित रूप से होगा. ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. ठीक है, यानी पांच प्रकार का सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, एक्सक्लेमेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. ये पांचों का इनडायरेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया. अब है कुछ जनरल नोट्स है इसके बारे में आपको बतलाना, तब आज के लिए इतना ही. बाकी बातें अगले क्लास में, एक क्लास और इसमें लगेगा तब जाके उस सारा ख़त्म हो जाएगा. तो अगला जो क्लास होगा उसमें आपको उसके बारे में बतलाया जाएगा. ठीक है, आशा है समझ ही गए होंगे, नहीं समझ में आया तो बार बार चला कर देखिए और समझिए. ठीक है, चूँकि लॉकडाउन में दूसरा कोई काम ही नहीं है, खाना खाइए, आराम कीजिए, पढ़ते रहिए, बात खत्म कीजिए. ठीक है ना, ओके देन, थैंक यू.